क्या दिन था, बड़े टाइम बाद ऐसी फीलिंग आई। आई नो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हम पांचों मिलके फिर से काम करेंगे। बड़ी बात तो ये है कि आयशा ने उसे माफ कर दिया। खैर, हम लड़कों में तो चलता है ये सब लड़ाई वड़ाई, लेकिन उसने आयशा से कुछ ज्यादा बदतमीजी कर ली। लेकिन उसने माफी भी तो कैसे मांगी थी ना, किसी भी लड़की का दिल पिघल जाए। मतलब किसी दिन अगर मैं तुमसे इस तरह बदतमीजी करूंगा, सोचना भी मत। फिर तुमने खुद तो कहा कोई अगर इस तरह से माफी मांगेगा तो कोई भी लड़की पिघल जाएगी। मैं कोई भी लड़की नहीं हूं ना, बदतमीजी करके तो देखो टांगे तोड़ दूंगी। रुको, मैं जरा देखता हूँ। सलाम। खैरियत वालेकुम सलाम। है? अच्छा, पता नहीं, ये तो डिपेंड करता है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये तीन लड़के, अमजद, असलम और रजा, तेरे मोहल्ले के हैं ना? हम मोहल्ले के लड़के हैं, हुआ क्या है? कहाँ रहते हैं ये? पर सामने ही रहते हैं, मुझे घर नहीं पता। लेकिन बस बस, हमें पता है ये कहाँ रहते हैं। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तीनों गायब हैं, और चश्मदीद गवाहों के मुताबिक तेरी इनसे बड़ी पक्की दोस्ती थी। ये सच नहीं है, मोहल्ले के लड़के हैं तो सलाम दो आप, हो जाती है। हुआ क्या है? हुआ क्या है बेटा, ये तो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि क्या हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तू सीधी तरह से बताएगा या तो जब थाने ले जाकर तेरी खातिर तवाजो करें। ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मसला है? मैडम जी, आप जाइए और गाड़ी में बैठिए। क्यों आप खामखा उस बेचारे को तंग कर रहे हैं? देखिए, खामखा में कोई किसी को तंग नहीं करता, जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी ना। और वो वजह क्या है? देखिए मैडम, मैंने आपसे कहा ना कि आप जाइए और गाड़ी में बैठ जाइए, ये आपका मसला नहीं है। और वैसे आप इनकी लगती क्या है? मैं इनकी दोस्त हूँ और बिजनेस पार्टनर भी। आप हमारी कंपनी के लॉयर का नंबर लिखिए, बल्कि आप मुझे अपना डेजिग्नेशन बताइए, अपना पुलिस स्टेशन बताइए, माय लॉयर विल कॉल यू। और अनलेस आपके पास वारंट है, वो इसको तंग मत करिएगा। ठीक है, तुम फिर मिले और बहुत जल्द आओ। ये क्या सीन था? वो मरियम, कोई स्टोरी बनाने की कोशिश मत करना। स्टोरी क्यों बनाऊंगा? कुछ लड़के हैं मोहल्ले के जिन्हें पुलिस ढूंढने आई है, अब जब वो नहीं मिलते तो हम जैसों में प्रेशर डालते हैं। कौन लड़के? यार मुझे क्या पता, कहाँ ना मोहल्ले के लड़के हैं यार, कुछ किया होगा मसला। तो तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? कसम से यार, मुझे कुछ नहीं पता।